हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है आलू और मटर के पराठे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, तो अगर आप भी आलू मटर की सब्जी खा खा के थक गए हैं तो पराठे ज़रूर बनाएं। तो आइए देखते कैसे मैंने इसका पराठा बनाया है। मैंने बॉयल आलू लिया, उसको अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पर मैंने मटर को अच्छे से नमक डाल कर उबाल लिया है, एकदम सॉफ्ट कर लिया है। धनिया पत्ता बारीक काटा हुआ, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा हरा मिर्च, और मैंने फ़ौरन के लिए लिया है सरसों और अजवाइन, और उसके साथ मंगरेल जो आते हैं। मैंने कुछ मसाले में लिए थे हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ तेल में मैंने फ़ौरन डाल दिया है। उसके बाद हम प्याज भुनेंगे। प्याज हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे भुनेंगे। फ्लेम यहाँ मेरा मीडियम टू हाई है। तो यहाँ देखिए, मैं चला चला के बार बार प्याज भून रही हूँ। प्याज चलाते रहे वरना जल जाएगा प्याज। तो यहाँ इसको देखिए, इस तरीके से मैं भून ली हूँ। यहाँ पे अब स्टेज पे हम डालेंगे एक चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट कैसे बनाते हैं ये तो सबको पता है, अगर ना पता तो मैं बता दूँ। तीन हिस्सा लहसुन की होती है और एक हिस्सा अदरक का होता है। उसे पीस दे अच्छे से तो अदरक लहसुन का पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पर मैंने एक दो मिनट अदरक लहसुन को भून लिया था। उसके बाद हम इसे मसाले डाल दिए हैं। मसाले डालना होता हमेशा याद रखिएगा, फ्लेम हमेशा लो कर देना है। मसाला मेरा कुछ भून लिया है एक मिनट। उसके बाद हमने यहाँ पे आलू डाल दिया है, मैश आलू। अब इसे हम नमक डाल के इसे भूनेंगे। इसे हम लगभग 4 से 5 मिनट हम इसे भूनेंगे, और साथ में मटर भी हम जो बॉईल करके रखे हैं उसे हम डाल देंगे यहाँ पे, और साथ में दोनों को अच्छे से भूनेंगे। मटर को मैश कर कर के भूनें। तो देखिए इस तरीके से मैं इससे मैश करी। आपके पास मैशर हो तो आप ज़रूर उसका यूज़ करें, मेरे पास नहीं था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इससे तो मेरा अच्छा मैश नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कलछी से किया जाए। तो यहाँ मैं कलछुल से इसे मैश कर करके अच्छे से इसे भून रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मैश भी हो रहा है, भून भी रहा है। इसी तरीके से बनाए। मैं इसका ओरिजिनल कलर आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। तो यहाँ कैमरा सही कलर नहीं ले पाता है, इसीलिए मैं इसको आपको ओरिजिनल कलर भी इसमें दिखा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो आपको लाइक करें, चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ देखिए मेरा भून के तैयार है। चलते हैं इसको ठंडा होने देते हैं, आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया। आटा लगाने को सबको आता है, गीला आटा लगाया, नॉर्मल रोटी वाली आटा ही लगाया है मैंने। तो यहाँ देखिए मैंने मसाला रखा है। अब इसको करते हैं लोई। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरा लोई तैयार है, झटपट से मैंने कर लिया। अब करते हैं इसकी स्टफिंग। स्टफिंग करने तो सबको आती है, तो यहाँ मैंने स्टफिंग कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ मैंने बेल के अब सिकाई का प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने तवा डाल दिया है, तवा मेरा गर्म हो चुका था। तो तवा पर डालने के बाद देख सकते हैं मैं फ्लिप करके एक साइड पर और इसको ऑयलिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो घी में बनाए, घी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसे घी में ज़रूर बनाएं, और ना हो तो आप मेरी तरह ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसको दोनों तरफ में फ्लिप कर करके इसको सेक रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोशिश करें घी में बनाने का, ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका मन आपका पैसा। तो बिल्कुल आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसको दोनों तरफ से घी लगाते हुए और इसको मैं अच्छा खासा रेड कलर का पराठे जो होते हैं वैसा दे दूँगी कलर। तो यहाँ देखिए जल्दी से आप भी रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इसी तरीके से आप भी सेक लें। मैं आगे चल के नेक्स्ट पराठा भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसी तरीके से मैंने सारे पराठे निकाल लिए हैं। तो मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊँगी। अंदर से इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है ये ग्रीन येलो, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है ये। तो यहाँ मैं तीसरा पराठा भी सेक ली। अब चलते हैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा देखिए सर्व कर दी हूँ। यहाँ पे मैं इसको केचप के साथ सर्व की हूँ। आप सब्जी, चटनी किसी के साथ भी इसे दे सकते हैं। और देख सकते हैं मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर की स्टफिंग। वाव कितना मस्त लग बना है ना। तो जल्दी से आप भी इसे बनाएं, खा अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, जल्दी सब्सक्राइब करें।